रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कल की अपनी बेटी वाणी के कमरे में चाय और पराठे लेकर आती है और उसे जगाते हुए कहती है, उठ जा, आखिर कब तक सोएगी, चल नाश्ता कर ले। वाणी नाश्ते का नाम सुनकर जागती है और खाने में वही रोज की तरह सादे पराठे देखकर वापस लेट जाती है और कहती है, क्या माँ, अब जब देखो मुझे ये पराठे देती रहती हो, जो है यही है, खाना है तो खा ले वरना भूखी रह। इतना कहकर कल्कि वहाँ से चली जाती है और वाणी को मन मार कर नाश्ता करना पड़ता है। ऐसे ही दिन बीतते हैं। एक दिन कल्कि की माँ की तबीयत अचानक खराब हो जाती है और वो अपनी बेटी और बेटी विपुल के पास आकर कहती है, देखो बच्चों, तुम दोनों की नानी की तबीयत बहुत खराब है, मुझे उनको संभालने जाना होगा। मुझे कोई लड़ाई नहीं चाहिए, तुम दोनों की शादी की उम्र है फिर भी बच्चों की तरह लड़ते हो, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगी। ठीक है माँ, आप चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगी। और आपको याद है ना, अगर मैंने सब अच्छे से संभाला तो आप मुझे कॉलेज ट्रिप पर गोवा जाने देंगी। हाँ बाबा हाँ, अगर तू सब अच्छे से रख पाई तो तू गोवा चली जाइयो अपने दोस्तों के साथ। इतना कहकर कल्कि अपने दोनों बच्चों को अच्छे से समझाकर अपनी माँ के पास गांव निकल जाती है और कुछ देर बाद विपुल वाणी के पास आकर कहता है, दी मुझे कुछ खाने के लिए बना दो, बड़ी भूख लग रही है। माँ को गया अभी आधा घंटा भी नहीं हुआ और तुझे भूख लग गई, माँ ने पैसे दिए है ना, जा ऑनलाइन मंगा ले। नहीं दीदी, आप कुछ बना दो ना, आपको मेरी कसम। विपुल के जिद करने पर वाणी रसोई में जाती है और उसे रसोई में कुछ नहीं मिलता, जिसके बाद फ्रिज देखने पर उसे उसमें बन रखे नजर आते हैं और वो यूट्यूब से देखकर बटर लेती है और चाय के साथ बन मस्का बनाकर ले आती है और अपने भाई के आगे रखते हुए कहती है, ले ठूस ले, दो बन तेरे दो मेरे। दी ये क्या है, खाना बनाने को बोला था और आप बन पर मक्खन लगा लाई। मैंने यूट्यूब से देखा है, इसको बन मस्का बोलते हैं, भारत की कुछ प्रतिशत आबादी रोज इसको खाकर पेट भरती है, अब से माँ के आने तक हम भी यही रोज खाएंगे। वाणी बन मस्का खाती है और उसे वो बहुत अच्छा लगता है, इस वजह से अब वो रोज बन मस्का खाने लगती है और खिलाने लगती है। उसी दिन रात के समय वाणी आलसी होने के कारण बाहर से सब्जी ऑर्डर करती है और अपने भाई के आगे रात के खाने में सब्जी और बन मस्का रखती है, जिसे देखकर विपुल कहता है, ये क्या है दीदी, आपने सुबह भी मुझे बन मस्का खिलाया और अब रात के खाने में भी वही दे रही हो, अरे बस करो वरना आप इतना मक्खन खा कर और फैल जाओगी। कम बोल, जो मिल रहा है ना खा ले, अब नहीं आता मुझे खाना बनाना तो मैं क्या करूँ, जो मिल रहा है ना खा ले चुपचाप। तो माँ के आगे क्यों बोला कि आप सब संभाल लोगी, अब क्या गोवा जाने के लिए भाई की बलि दोगी। ये सुनकर वाणी विपुल की आँखों में घूर कर देखने लगती है और विपुल चुपचाप बन मस्का खाता है। अब ये रोज का था, वाणी रोज विपुल को बन मस्का बनाकर खिलाती रहती और खुद भी खाती। ये रोज खा कर विपुल बहुत परेशान और कमजोर होने लगा था। एक रात जब विपुल सो रहा था तो वो सपने में देखता है कि उसकी बहन उसको कुर्सी से बांधकर जबरन बन मस्का खिला रही है और ये देखकर वो चिल्ला कर उठता है और पसीने पसीने होकर कहता है, इस बन मस्का खाने वाली और बनाने वाली का मुझे कुछ तो करना होगा वरना माँ के आने तक ये मेरा अजीब सा सपना सच न हो जाए। इतना सोचकर विपुल उठ जाता है और आधी रात को रसोई में जाकर सारे बन को पानी में भिगो देता है और मस्का यानी बटर को कचरे में डालकर सो जाता है। और जब अगली सुबह वो नाश्ता करने आता है तो नाश्ते में बर्गर देखकर कहता है, आज सूरज किस दिशा से निकला है, ये बन मस्का की जगह बर्गर कैसे। सूरज छोड़, तुझे क्या लगा कि तू बन भिगो कर मस्का फेंक देगा तो बन मस्का नहीं मिलेगा खाने को, ये भी बन मस्का ही है, बस थोड़ा पानी के स्टाइल में। इस बर्गर में बन भी यूज हुआ है और मस्का भी, और बाकी टिक्की खीरे टमाटर जो भी, तू भी क्या याद रखेगा, जा ऐश कर। ये बन मस्का खाने वाली तो मुझे मार कर ही छोड़ेगी, एक आइडिया है, इसको ही मस्का लगा कर देखता हूँ। दी मैं क्या सोच रहा था, कल तो माँ आ ही जाएंगी, तो आज रात आप और मैं कहीं बाहर खाना खाने चले। वहम में मत रह विपुल, माँ नहीं आएगी अभी एक हफ्ता, और माँ का कॉल आया था कि वो आ रही हैं, तो मैंने बोल दिया कि मैं रख तो रही हूँ आपके घर और आपके लाडले का ख्याल, आप आराम से आना, और रही रात को खाने पर बाहर चलने की बात, तो चल लेंगे। इतना कहकर वाणी भी नाश्ता करके अपने कामों में लग जाती है और विपुल परेशान हो जाता है। रात को वो दोनों एक होटल में खाना खाने जाते हैं
और विपुल मेन्यू देखकर वेटर से कहता है, वेटर एक प्लेट तंदूरी चिकन, एक कढ़ाई चिकन और तंदूरी रोटी ले आओ विद एक्स्ट्रा मक्खन बाउल में। जी सर, और कुछ लेंगे आप? और मैडम, आपको कोई एक्स्ट्रा ऑर्डर? आपके यहाँ पर बन मस्का मिलेगा, बाय गॉड चिकन के साथ तो मस्त लगेगा। सॉरी मैम, वो तो नहीं है, ये बस सुबह के नाश्ते में होता है हमारे पास, इससे मैं तो नहीं होगा। जिसके बाद वेटर वहाँ से चला जाता है और वाणी की बात सुनकर विपुल अपना माथा पकड़ लेता है। जिसके बाद जब उनका ऑर्डर आता है तो विपुल बोलता है, माफ करना दीदी, इस होटल में तो आपका बन मस्का नहीं मिला, खैर जो मिल रहा है खा लो। ऐसे कैसे, प्यार करने वाले और खाने वाले तो रास्ता निकाल ही लेते हैं। देख, मुझे पता था यहाँ बन नहीं मिलेगा, तो मैं घर से ही बन के 3-4 पीस ले आई थी, सही है ना? इतना कहकर वाणी अपने बैग में से छुपाया हुआ बन निकालती है और विपुल के मंगाए एक्स्ट्रा बटर को उस पर लगाकर चिकन के साथ मजे से खाने लगती है। और उसे ऐसा करते हुए देखकर विपुल घबरा कर कहता है, मेरी बन मस्का खाने वाली दीदी, क्यों मेरी नाक कटवा रही हो? आप जानती हो ना, यहाँ आउटसाइड फूड अलाउ नहीं है। आउटसाइड कैसे, इनसाइड है, पर से निकाला है, कोई नहीं देख रहा, खाने दे। तू ये क्या तंदूरी रोटी खा रहा है, थोड़ी देर में ये इतनी टाइट हो जाती है। ये देख, ये बन कितना सॉफ्ट है और मस्का लगा कर तो जैसे मुंह में घुल ही जाएगा। वाणी इतना कहकर विपुल के मुंह में भी बन मस्का ठूसने लगती है और वाणी को ऐसे आउटसाइड फूड खाते हुए और खिलाते हुए वेटर देख लेता है और उसके पास आकर कहता है, माफ करना मैम, आप ये आउटसाइड फूड नहीं खा सकते, होटल में ये सब अलाउ नहीं है। वेटर के लाख कहने पर भी वो नहीं मानती, जिसके बाद होटल का मैनेजर आकर उन दोनों को होटल से बाहर कर देता है। और ये सब होता देखकर विपुल को बहुत बुरा लगता है और वो बिना अपनी बहन से कोई बात करे घर आता है। ये सब देखकर वाणी को भी बहुत बुरा लगता है और वो अपने कमरे में जाकर सो जाती है। और अगली सुबह वो अपने भाई के लिए नाश्ता बनाकर टेबल पर लगाती है और भाई आकर कहता है, निकालो अपना बन मस्का और ठूस दो मेरे मुंह में, और ना खाऊं तो कुर्सी से बांध कर ठूस देना। मैंने मस्का तो लगाया है लेकिन बन पर नहीं, पराठों पर। आजा खा ले, तेरी पसंद के आलू के पराठे बनाए हैं खुद। ये सुनकर वाणी उसे पराठे परोसती है लेकिन वो पूरी तरह से जले हुए थे, क्योंकि वाणी को तो खाना बनाना आता ही नहीं था। लेकिन विपुल उन जले पराठों को देखकर भी खुशी के आंसू बहाने लगता है और पराठे खाने लगता है और अपनी बहन को उसकी रात की हरकत के लिए माफ कर देता है। कि तभी दरवाजे पर उनकी माँ कल की आकर कहती है, सही है, लगता है अब तुम दोनों को माँ की जरूरत नहीं है, सही लगे पड़े हो दोनों, कितने प्यार से साथ में नाश्ता कर रहे हो। नहीं माँ, ऐसा नहीं है, आप आ गई, आओ बैठो, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ, इतने आप पराठे खा लो। अरे ये जले हुए पराठे खाऊं, और विपुल तू इन पराठों को इतने प्यार से क्यों खा रहा है? रहने दो माँ, ये पराठों का असली स्वाद आप नहीं समझोगी, मुझे मेरे पराठों के साथ अकेले रहने दो, मैं इनको बहुत प्यार करता हूँ। छोड़ इसे, क्या जले पराठे खा रहा है, पेट खराब हो जाएगा। ये ले, इसमें बन और बटर है, जा बन मस्का बना कर लिया मेरे और विपुल के लिए। ये सुनकर विपुल की सांसें अटक जाती है और वो एक टक अपनी बहन को देखने लगता है। वाणी भी प्यार से वो थैली लेकर बन मस्का बनाने रसोई में चली जाती है। अब कितने दिन तक विपुल और बन मस्का खाएगा ये तो भगवान ही जाने, लेकिन वाणी की बन मस्का खाने की आदत कभी जाएगी ही नहीं, ये तय है। सर्दियां शुरू होने वाली थी, सीमा अपनी बेटी खुशबू की सर्दियों में ना नहाने की आदत से खूब अच्छी तरह वाकिफ थी, इसीलिए वो पहले ही उसको चेतावनी देते हुए बोलती है, खुशबू इस बार अगर तूने सर्दियों में ना नहाने का आलस दिखाया ना, तो देखियो मैंने तुझे घर से निकाल देना है। पानी बचाने के नाम पर जो तू ना नहाने में काम चोरी करती है ना, इस बार नहीं चलेगी। मुझे पता है कि मैं आपकी सगी बेटी नहीं हूँ, इसलिए आप मुझे सर्दियों में नहाने के लिए बोल रही है ना। अगर मैं आपकी खुद की बेटी होती तो आप उसकी मजबूरी समझती और उसे इतनी ठंड में नहाने के लिए नहीं कहती, थोड़ा गैप देकर नहाने के लिए बोलती। एक थप्पड़ मारूंगी ना, गैप एक दो दिन का होता है, महीने भर का नहीं। और दोबारा ये सगी सोतेली वाली बकवास करी तो तुझे सच में सोतेली माँ बनकर दिखाऊंगी, क्योंकि सगी माँ तो तुझे रास नहीं आ रही। अच्छा माँ सॉरी, वैसे भी अभी सर्दियाँ नहीं आई है, तो अभी आप मेरी क्लास मत लगाओ, जितनी लगानी हो ना तब लगा लेना, अभी मैं नहाने जा रही। खुशबू अपने कमरे में कपड़े निकाल कर नहाने जाती है और नहा कर जब वो बाहर आती है
तो टॉवल लपेटे हुए खुद से बोलती है, यार नहाने के बाद जो ये सुकून मिलता है ना, बस सर्दियों में यही सजा बन जाता है। तब तो ये पानी आग का दरिया, अरे नहीं नहीं बर्फ का दरिया लगता है। मुझे तो सर्दियों के बारे में सोचकर ही ठंड लगने लगती है। खुशबू जल्दी से तैयार होकर कॉलेज निकल जाती है। ऐसे ही समय गुजरता है और नवंबर का महीना आता है। एक सुबह सीमा खुशबू को आवाज मारकर उठाते हुए बोलती है, अरे नलायक औलाद उठ जा, कॉलेज के लिए लेट हो जाएगी, जल्दी कर ले, मैंने तेरे नहाने का पानी गर्म कर दिया है। खुशबू अपने कमरे में कंबल से मुंह निकालते हुए बोलती है, हे भगवान सर्दियों में 2-3 महीने के लिए कॉलेज बंद क्यों नहीं हो जाते हैं? मेरा तो कंबल छोड़ने का मन ही नहीं करता और माँ तो हमेशा मुझे नहाने के पीछे ही पड़ी रहती है। लेकिन माँ को पता लगा कि मैं नहीं नहा रही तो वो मेरी बहुत ज्यादा बेइज्जती करेगी। एक आइडिया है। खुशबू बाथरूम में नहाने जाती है और वहाँ बाल्टी में भरा हुआ गर्म पानी फर्श पर गिराते हुए जोर जोर से चिल्लाती है, ओह माँ कितना ठंडा पानी है, मेरी तो कुल्फी जम गई, ओए होए 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 मर गई आज मैं तो, गरम गरम पानी से नहाना चाहिए, गाना ये ना ये गाना चाहिए। अरे बेशरम, पानी को फर्श पर डोलने के लिए गरम करवाया था क्या? नहीं नहाना था तो बोल देती, मैं अपने लिए ही रख लेती गरम पानी। लेकिन नहीं, मैडम को तो ड्रामा भी करना है नहाने का। ओ यार मेरी माँ तो कभी कभी मुझे CCTV कैमरे जैसी लगती है जो छुप छुप कर सब देख लेती है। खैर अब उनको तो पता ही है कि मैं नहीं नहा रही हूँ, तो खुशबू दो छींटे मार ले मुंह पर पानी के और चल बाहर। खुशबू बिना नहाए तैयार होकर और परफ्यूम छिड़क कर नाश्ते के लिए आती है, जिस पर उसकी माँ बोलती है, बस नहाने से तो कोई वास्ता नहीं है, परफ्यूम छिड़क लो और महक जाओ, किसी दिन तेरा ये परफ्यूम भी तेरे ना नहाने की बदबू को नहीं छुपा पाएगा। बस करो माँ, कपिल शर्मा हो क्या जो इतना मजाक बनाए जा रही हो? अरे 2 दिन पहले ही नहाई थी फिर भी इतना बोल रही हो। खुशबू के इतना बोलते ही उसके घर के बाहर से एक बाइक के हॉर्न की आवाज आने लगती है, जिसको सुनकर खुशबू बोलती है, नील आ गया मुझे लेने, अच्छा माँ मैं जा रही हूँ बाय। इतना बोलकर खुशबू बाहर चली जाती है और नील से हेलो करके उसके पीछे बाइक पर बैठ जाती है। तभी उनके जाने से पहले सीमा बाहर आकर बोलती है, खुशबू बेटा ये तेरे परफ्यूम की बोतल अंदर ही रह गई थी, ले जा वरना कुछ देर में बदबू आने लगेगी तो सबको पता लग जाएगा कि तू नहाई नहीं है। माँ क्या आप भी, नील माँ मजाक कर रही है, चलो तुम। बेचारी खुशबू, नील के सामने भी उसके ना नहाने का सच आ गया था, लेकिन नील उसको इस बारे में कुछ नहीं बोलता। वो दोनों कॉलेज जाकर अपनी अपनी क्लासेस लेते हैं, लेकिन फिर शाम होने पर दोनों अपने दोस्त निशा और करण के साथ बैठे होते हैं, तो नील बोलता है, यार सर्दियां आ गई हैं, क्यों ना हम लोग कहीं घूमने का प्लान बनाए। मनाली कैसा रहेगा यार, बर्फ में कितना मजा आएगा। हाँ ठीक है चलो मनाली ही चलते हैं, क्यों खुशबू चलेगी ना? मैं यार वहाँ तो इतनी ठंड होगी, चारों तरफ बर्फ होगी, पानी कितना ठंडा होगा, यहाँ तो मैं हफ्ते हफ्ते नहीं नहाती तो वहाँ तो मुझे पानी को देखकर ही करंट लग जाएगा। अरे बोलो खुशबू चलोगी ना, देखो सोचो मत कुछ, चुपचाप हाँ कर दो। ठीक है अब तुम इतना बोल रहे हो तो चल देती हूँ। तो ठीक है नेक्स्ट वीक चलेंगे, सभी अपनी पैकिंग वगैरह कर लेना, टिकट्स का इंतजाम मैं कर लूँगा। सभी मिलकर मनाली जाने का प्लान बना लेते हैं। उसके बाद सभी अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं। घर आकर खुशबू अपनी माँ को घूमने के प्लान के बारे में बताती है, जिस पर सीमा बोलती है, खुशबू बेटा तू तो मत ही जा, कहीं वहाँ सबको तेरे ना नहाने के टैलेंट के बारे में पता लग गया ना तो हाय हाय मैं तो सोच के ही दुखी हो रही हूँ, वहाँ बेगाने शहर में तेरी बेइज्जती हो जाएगी। मेरी माता श्री आप बिल्कुल चिंता मत करो, आपके सिवा कोई मेरी बेइज्जती नहीं करता और आप वहाँ नहीं होंगी मेरी बेइज्जती भी नहीं होगी, और रही बात नहाने की तब मैं वहाँ जाकर नहा लिया करूँगी। ठीक है जैसी तेरी इच्छा। देखते ही देखते अगला हफ्ता आ जाता है। खुशबू अपना सारा सामान पैक करके दरवाजे पर खड़ी नील का इंतजार कर रही होती है और तभी उसकी माँ उसे बोलती है, बेटा परफ्यूम तो रख लिया ना, सर्दियों में वही तेरा सहारा है। बस मेरी माँ रहम करो मेरे ऊपर, अरे नील आने वाला है उसके सामने कुछ मत बोल देना। खुशबू की इस बात पर सीमा हंस देती है, जिसके कुछ देर बाद नील आ जाता है और खुशबू
उसके साथ बाइक पर बैठकर जाने लगती है। तभी सीमा बोलती है, बेटा सुन। माँ यार प्लीज नहीं। अरे अपना ख्याल रखना, ठीक है, अब जा, बाय। पहली बार सीमा खुशबू को बिना बेइज्जती किए घर से जाने देती है। ये देखकर खुशबू खुश होती है। कुछ देर में नील और खुशबू स्टेशन पहुंचते हैं, जहां पर करण और निशा पहले से ही खड़े होते हैं। नील अपनी बाइक दोस्त के हाथ वापस घर भिजवा देता है और चारों ट्रेन से माहौली के लिए निकल जाते हैं। वहां पहुंचकर करण और नील एक रूम में रुकते हैं और खुशबू और निशा दूसरे रूम में। कुछ देर में सब फ्रेश होकर बर्फ में मस्ती करने जाते हैं, जहां वो एक दूसरे पर बर्फ के गोले फेंकते हैं, स्नोमैन बनाते हैं और ढेर सारी गेम्स खेलते हैं। शाम को सब थक हार कर होटल वापस आते हैं और खाना पीना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह कंबल में छुपी हुई निशा खुशबू से बोलती है, खुशबू यार उठ जा और नहा ले, क्योंकि हमें 10 बजे नई जगह घूमने जाना है। अबे पागल है क्या, ठंड देखा है कितनी है, मैं नहीं ना आ रही। अबे पिछले हफ्ते तो ना आए थे। क्या तू पिछले हफ्ते ना आई थी, सीरियसली? पागल है क्या, किसने बोल दिया तुझे? अरे सर्दी हो या गर्मी, मैं तो रोज नहाती हूँ, मैं तो मजाक कर रही थी। सही है, मैं तो एक दिन छोड़कर नहाती हूँ भाई, झूठ क्यों बोलूँ, कल नहीं नहाई थी इसलिए आज नहाने जा रही हूँ, मेरे बाद तू नहा लियो। ओह ठीक है, बच गई, नहीं तो आज तो मैं अपने ही मुँह से अपनी बेइज्जती करवा लेती। यार ये ठंड क्यों आती है, कितना झूठ बोलना पड़ता है ठंड के लिए और नहाने के लिए। कुछ देर में निशा नहा कर बाहर आती है और फिर खुशबू बाथरूम में जाती है और आदत से मजबूर होकर सिर्फ छींटे मारकर और सर पर झूठ मूठ तौलिया लपेटकर बाहर आती है। लेकिन कॉल निशा उठाती है और स्पीकर पर फोन रखकर निशा बोलती है, हेलो आंटी, मैं निशा बोल रही हूँ, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ बेटा, तुम कैसी हो? और मजा आ रहा है ना वहाँ? और वो नालायक कहाँ है? अरे आंटी बहुत मजा आ रहा है, और ये मैडम भी यही है, नहा कर आई है, अभी कांप रही है ठंड से। नहा कर आई है? अरे हो ही नहीं सकता, ये लड़की 2 हफ्ते से पहले नहा ले, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। कहीं इसका परफ्यूम तो खत्म नहीं हो गया जो ये नहा ली, या फिर ये पक्का सर पर तौलिया लगाकर ड्रामा कर रही होगी नहा कर आने का। ये सब सुनकर निशा खुशबू को घूरने लगती है और खुशबू जल्दी से फोन लेकर कट कर देती है, जिसके बाद निशा उसे बोलती है, यार तू 2-2 हफ्ते नहीं नहाती, तूने झूठ बोला, कैसी सी है यार तू खुशबू। ऐसा नहीं है, मेरी बात सुन, मैं नहीं रहूंगी तेरे साथ, कंदी कहीं की। निशा उस कमरे से निकलकर भाग जाती है और फिर खुशबू चिल्लाते हुए बोलती है, माँ। बेचारी खुशबू, उसको लगा था कि मनाली में उसके साथ माँ नहीं होगी तो उसकी बेइज्जती नहीं होगी, लेकिन माँ माँ तो हर जगह पहुँच ही जाती है। भले ही इस दौरान खुशबू की बेइज्जती हुई, लेकिन इसके कारण उसने सर्दियों में भी डेली नहाना शुरू कर दिया, ताकि दोबारा उसको ऐसी सिचुएशन का सामना न करना पड़ जाए। मालती का बेटा पप्पू कहने को तो इंजीनियर था, लेकिन उसे इंजीनियरिंग में कोई खास खुशी न मिलने पर वो गोलगप्पे का छोटा सा स्टॉल लगाकर गोलगप्पे बेचने लगता है। ऐसे ही एक दिन उसके स्टॉल पर डॉली और गायो नाम की 2 लड़कियां आती हैं और कहती हैं, डॉली यहाँ के गोलगप्पे खाकर देख, मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है देखने से ही, चल गोलगप्पे खाते हैं। बट यार गोलगप्पे कोई खाने की चीज है क्या? क्या पता ये ठीक से बने हो या ना बने हो। अरे पागल, ठीक से बने होंगे, तू चिंता मत कर, भैया आपने ठीक से तो बनाए हैं। मैडम जी कैसी बातें कर रही हैं आप, मैं बिल्कुल हाइजीनिक तरीके से ही बनाता हूँ, वो भी मिनरल वाटर से। सच में भैया, तो मेरे लिए एक गोलगप्पे की प्लेट लगा दो। डॉली अब तो विश्वास हो गया ना, अब तो खा ले। यार तुझे पता है ना, मैंने आज तक ये सब कभी नहीं खाया, पर बीमार हुई तो। पागल, जो पहले ट्राई नहीं किया वो अब कर, मैं तुझे गारंटी देती हूँ, यू लव दिस गोलगप्पास एंड ट्रस्ट मी, तू बीमार नहीं होगी, मेरे कहने से खा कर देख। प्लीज मैम, जस्ट ट्राई, गिव मी वन चांस, आई विल नॉट डिसअपॉइंट यू। वाओ, आपको इतनी अच्छी इंग्लिश आती है तो ये गोलगप्पे क्यों बेच रहे हो? इंजीनियरिंग मैंने ऐसे ही थोड़ी की है। क्या भैया, आपने इंजीनियरिंग की है तो ये क्यों? मींस आपको इसमें मिलता ही क्या है, इससे ज्यादा पैसे तो आप इंजीनियरिंग में कमा लेते।
वो लंबी कहानी है, अगर आपको जाननी हो तो कभी किसी और दिन आना, फुर्सत से बताऊंगा। खैर आप मेरे हाथ के गोलगप्पे ट्राई तो कीजिए। ओके जी, आप दे दीजिए मुझे भी एक प्लेट। पप्पू डॉली की बात सुनकर दोनों को एक एक प्लेट गोलगप्पे की देता है, जिसे खाने के बाद गायू बोलती है, यार वाह वाह कितना मस्त टेस्ट है, कितने महीनों बाद मैंने गोलगप्पे को खाया है, ऐसा लग रहा है कि अमृत मिल गया हो। अच्छा तो बहुत है, लेकिन मुझे थोड़ा कम मीठा दो, ये ज्यादा मीठा हो गया। ओके मैं अभी तीखा बना कर देता हूँ। भैया मुझे तो और तीखा, हरी चटनी डालकर गोलगप्पे दो। ये लीजिए आप दोनों के गोलगप्पे। वाह मजा आ गया, सच में आप बहुत अच्छे गोलगप्पे बनाते हो, मुझे तो मोमोज से ज्यादा ही अच्छे लग रहे हैं। अब से गायू मैं भी गोलगप्पे की फैन हूँ, लेकिन ना मैं आपकी दुकान के ही गोलगप्पे खाऊंगी। वैसे आपका नाम क्या है? लगता है आपने मेरी स्टॉल का नाम नहीं पढ़ा, वो देखिए लिखा हुआ है पप्पू के गोलगप्पे, ये लीजिए आप दोनों। बहुत अच्छा है, गोलगप्पे के साथ नाम भी पप्पू के गोलगप्पे। अच्छा पप्पू जी, वैसे आप कब से ये गोलगप्पे का काम कर रहे हैं? बस 3 महीने हुए हैं। वाओ 3 महीने में ही शेफ जैसे, आप बिल्कुल परफेक्ट गोलगप्पे बेच रहे हो, वो भी इस अमेजिंग स्ट्रेटजी के साथ। वाओ थैंक यू। बहुत मेज लग रही है, कुछ है क्या आप पर पानी वगैरह? एक मिनट पप्पू, ऐसा बोलकर गोलगप्पे के साथ नाम लाल चटनी लगा कर देता है। अच्छा पप्पू जी, चटपट ऐसे पापड़ी में गोलगप्पे का डाल कर गायु को देता है। बस 3 महीने अब खाइए, आपको मीठी पापड़ी खाकर पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी। पक्का नहीं? और मिर्ची तो नहीं लगेगी ना? सच में इसे तो मिर्ची नहीं लगी, इनफैक्ट मुझे तो अब पानी भी नहीं चाहिए, अच्छा लग रहा है। आपको तो सारी ट्रिक पता है कि कैसे लड़कियों का गोलगप्पे का टेस्ट भी खराब ना हो और पानी की भी जरूरत ना पड़े। यही तो मुझे अच्छा लगता है, सबको उनकी पसंद के गोलगप्पे खिलाकर उनके टेस्ट का ख्याल रखना, इससे मुझे बहुत खुशी मिलती है। ओ थैंक यू पप्पू जी, आपके गोलगप्पे वाकई में बहुत अच्छे थे। डॉली जब पप्पू को थैंक्स बोलती है तो वो उसे देखता ही रह जाता है, उसके ख्यालों में खोसा जाता है। तभी डॉली उसे कुछ कहती है लेकिन वो सुन नहीं पाता, जिसके बाद वो उसके आगे चुटकी बजाकर बोलती है, अरे पप्पू जी आप कहाँ खो गए, थैंक यू फॉर दी टेस्टी गोलगप्पास, ये लीजिए आपके पैसे। जी जी, अरे नहीं इसकी क्या जरूरत है, आपके लिए फ्री है। नहीं नहीं आपने इतने अच्छे से खिलाया, उसके लिए ये जरूरी है, मैं किसी दिन खुद से ही आपसे फ्री में गोलगप्पे मांग लूंगी, डोंट वरी। ये बोलकर वो दोनों चली जाती है और उसके जाते ही पप्पू की स्टॉल पर काफी लड़कियां गोलगप्पे खाने आती है और पप्पू एक के बाद एक सबको फटाफट गोलगप्पे देता है, जिसके बाद पप्पू की काफी बिक्री होती है और सारे गोलगप्पे खत्म हो जाते हैं। ऐसे ही रोज आते जाते डॉली और पप्पू एक दूसरे को दूर से ही देखकर हंसने लगते और कुछ दिनों बाद डॉली खुद गायू को लेकर गोलगप्पे खाने आती है और वो शर्माकर गोलगप्पे देता, तो फिर डॉली शर्माते हुए गप्पा गप गोलगप्पे खाती। तभी डॉली बोलती है, पप्पू जी आपके गोलगप्पों की मैं बहुत बड़ी फैन हो चुकी हूँ, आई लव इट। वाह भैया आज का पानी तो उस दिन वाले से भी ज्यादा टेस्टी है। और लीजिए ना आप भी, और आप भी, एक्चुअली ये हींग का पानी है, आप मुझे और टिप्स दीजिए ना कि गर्ल्स को किस किस फ्लेवर का गोलगप्पे का पानी पसंद है। गर्ल्स को तीखा, मीठा, चटपटा, पुदीने वाला, जीरे वाला गोलगप्पा और दही वाला, और नुटेला शॉर्ट्स गोलगप्पे, कच्ची कैरी, ये सभी तो सबसे ज्यादा पसंद है, और वो काला खट्टा भी, ये सारे फ्लेवर्स बहुत पसंद है गर्ल्स को। सो आप बनाएंगे इतनी तरह का पानी? आप खाना चाहती हैं तो जरूर बनाऊंगा, अभी तो एक ही तरह का फ्लेवर था, बट आप दोनों से इतने न्यू आइडियाज मिले हैं तो मैं करूंगा। ये हुई ना बात। अच्छा आप दोनों अपना नाम बता सकती हैं? ऑफ कोर्स, माय नेम इज डॉली और ये मेरी बेस्टी गायू। आप दोनों की तरह आपके नाम भी क्यूट हैं। थैंक यू जी। कुछ दिनों में पप्पू अलग अलग तरह के गोलगप्पे बनाता है और अपनी माँ को गोलगप्पे का पानी टेस्ट करवाता है, जिसके बाद मालती बोलती है, अरे पप्पू बेटा ये सब क्या है, चल जीरा पुदीना कच्ची कैरी का एक बार को, अच्छा है बहुत स्वाद है इसमें, लेकिन ये चॉकलेट और गोलगप्पे में आइसक्रीम ये मुझे पसंद नहीं आया, ये वाला गोलगप्पा कोई नहीं खाएगा। डॉली जी तो कह रही थी ये सबको पसंद आएगा, माँ को अच्छा नहीं लगा तो रहने दो क्या ये, नहीं एक बार उन्हें भी ट्राई करा देता हूँ, क्या पता पसंद आ जाए, आज दुकान पर सारे फ्लेवर लेकर जाऊंगा। माँ आप फिक्र मत करो, सबको पसंद आएगा और लड़कियाँ शौक से खाती हैं। अब तू देख ले मैं क्या बोलूँ। पप्पू अपने सारे बने हुए फ्लेवर्स लेकर अपनी स्टॉल पर जाता है, जहाँ डॉली
फिर से उसकी पास आती है और पप्पू बोलता है, हेलो पप्पू जी, कैसे हो आप? हाय डॉली जी, अरे आज आपके साथ गायू जी नहीं आई? जी नहीं, उसको आज असाइनमेंट बनाना था ना, इसलिए नहीं आई। अच्छा, आपने कहा था कि आप न्यू फ्लेवर ट्राई करेंगे, तो बनाया नहीं आपने? अरे डॉली जी, आज लेकर आया हूँ, बताइए कौन सा खाएंगी? आपने जो बोला था वो सारा बनाया है मैंने। मुझे काला खट्टा और कच्ची कैरी का चाहिए। ये लीजिए आपका काला खट्टा, इसे खा लीजिए, फिर दूसरा गोलगप्पा दूंगा। ओ वाओ पप्पू जी, ये तो बहुत अच्छा है। ये तो कुछ भी नहीं है, एक आपको मेरी तरफ से दही वाला गोलगप्पा। अरे वाह, आपकी जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है। एक एक करके पप्पू डॉली को सारे फ्लेवर्स ट्राई करवाता है और लास्ट में चॉकलेट चॉट वाला गोलगप्पा देता है, जिसे खाकर डॉली बोलती है, पप्पू जी वाह, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी चॉकलेट फ्लेवर का गोलगप्पा भी खा सकती हूँ। और इसके अंदर की जो वेनिला आइसक्रीम घुल गई है ना गोलगप्पे के टूटने के बाद, मजा आ गया। अब तो मैं 100% श्योर होकर कह सकती हूँ कि लड़कियाँ नहीं बल्कि हर एज के लोग आपके पास ये गोलगप्पे खाने आएंगे, यहाँ तक कि छोटे बच्चे भी। आज से ही स्टार्ट कर दीजिए ये खिलाना। सच में आपको इतना पसंद आया? अरे बहुत बहुत ज्यादा पसंद आया, सिर्फ गोलगप्पे नहीं गोलगप्पे वाला भी पसंद आया मुझे। कह दूं क्या आज से? कब से तो इसलिए ताड़ने आती थी इसे, वैसे भी आज गायू नहीं है। हाँ, यही सही मौका है। वो पप्पू जी, मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ कहिए ना। वो मैं आपसे बहुत प्यार करने लगी हूँ, आई लव यू सो मच। सच? आप मजाक तो नहीं कर रही ना? बिल्कुल नहीं, बल्कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। आई लव यू टू डॉली, ये लो मेरी तरफ से तुम्हारे लिए स्पेशल गोलगप्पा। इस तरह दोनों एक दूसरे को अपने हाथ से खुद बनाकर गोलगप्पे खिलाते हैं और उस दिन के बाद से पप्पू की स्टॉल पर नए नए फ्लेवर को चखने के लिए काफी तादाद में लोग गोलगप्पे खाने आते हैं। छोटे से लेकर बड़े तक हर उम्र के लोग उसकी दुकान पर आते। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर काफी ज्यादा टाइम बिताने लगते हैं और कुछ वक्त बाद दोनों की शादी हो जाती है, जहां डॉली की काफी सारी फ्रेंड्स आती हैं और वो उसे और पप्पू को देखकर बोलती है, क्या यार, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तूने गोलगप्पे वाले को अपना पति बनाया है। हाँ यार, तूने गोलगप्पे वाले से शादी क्यों की? अरे यार, अरे जब कर ही लिए तो जीजू गोलगप्पे खिलाओ ना। ये बोलकर सारी लड़कियां कटोरी आगे करके उसे गोलगप्पे खाने की डिमांड करती है, जिसके बाद पप्पू को अपनी ही शादी में अपनी सालियों को गोलगप्पे वाला बनकर गोलगप्पे खिलाने पड़ते हैं। तभी हंसते हुए डॉली बोलती है, खाओ खाओ, सब अपने पप्पू जीजू के हाथ के गोलगप्पे खाओ। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।